मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का काम 15 मार्च 2024 से शुरू हुआ था, जो चलते चलते तारीख बढ़ते हुए जून पर आ गया। लेकिन अब गेहूं खरीदी की जो तारीख है वो बंद हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें गेहूं खरीदी को लेकर, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने 100 लाख मेट्रिक टन का लक्ष्य दिया था, लेकिन इस लक्ष्य का आधा भी मध्य प्रदेश सरकार पूरा नहीं कर पाई। वीडियो गेहूं खरीदी को लेकर काफ़ी खास होने वाला। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वर्ष 2024-25 में 6 लाख से अधिक किसानों का 48 लाख मीट्रिक टन से अधिक का गेहूं लगभग 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया और 125 रुपये का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया गया है। ऐसा ट्वीट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया गया है, जिसमें ये दावा किया गया कि 48 लाख मीट्रिक टन से अधिक का गेहूँ। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार 50 लाख मीट्रिक टन से ऊपर खरीदी नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार भी परेशान है और नाराज़ है, क्योंकि 100 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य है वो मध्य प्रदेश को दिया था। लेकिन गेहूं किसानों की नाराज़गी और 2700 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य का जो भाव है वो नहीं मिलने की वजह से इस बार मध्य प्रदेश पूरी तरह से पिछड़ गया है। ऐसे में कई न्यूज़ चैनलों द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि गेहूँ का जो भाव है वो रिकॉर्ड तोड़ेगा इस बार, और 3000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर जो भाव है इस बार रिकॉर्ड तोड़ गेहूं बिकेगा। तो ऐसे में सरकार ने भी कई तैयारियां कर ली है इस भाव को कंट्रोल में करने की। कई देशों से सरकार गेहूं का आयात कर सकती है। वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।